बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। हलीमा किचन में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ इंशाल्लाह। आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा नूडल्स रेसिपी। एक भगोने में पानी गर्म कर लेना है, पानी में नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल पानी में डाल लेना है। तेल डालने से नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। एक पैकेट नूडल पानी में डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से खिले खिले नूडल्स बनके तैयार होंगे। अब हमारे ये नूडल्स गल के तैयार है। ये नूडल्स पानी से धो लेना है। थोड़ा सा तेल नूडल्स में डाल लीजिए। धोने के बाद एक दूसरे से ये चिपकेंगे नहीं। ट्राई करिए, कमेंट्स में बताइए आपको अंडा नूडल्स रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेना है। 5 अंडे, 1 कढ़ाई को घुमा घुमा के हमें अंडे तल लेना है। अक्सर रमज़ान में इमरजेंसी में इफ्तारी ख़त्म हो जाती है, कभी लाना नहीं होता, बाहर निकलना नहीं होता हमसे, इफ्तारी लाने हम नहीं जा सकते। आप ऐसे टाइम पे घर में नूडल्स बना के भी खा सकते। इसके साथ साथ मैं आपको वेज रोल्स भी बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये अंडे के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। अंडे में थोड़ा सा नमक छिनक लेना है। अच्छे से तल लीजिए। यहाँ पर ये अंडा तैयार है तल के। 8 से 10 लहसुन की कलियां कुचल के तल लेना है। प्याज की पत्ती की प्याज फ्राई कर लेना है। दो मुट्ठी पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, दो मुट्ठी प्याज की पत्ती बारीक कटी हुई, दो मुट्ठी गाजर बारीक कटे हुए, दो मुट्ठी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे से फ्राई कर लीजिए। कच्चे पक्के फ्राई करना है हमें। ट्राई करिए, कमेंट्स में बताइए आपको अंडा नूडल्स रेसिपी कैसी लगी। ये सारी तरकारियां कच्चे पक्के ही फ्राई करना है। लो फ्लेम करके हमें 2 बड़े चमचे ग्रीन चिल्ली सॉस डालना है, 2 बड़े चमचे टमाटर सॉस, 1 बड़ा चमचा विनेगर, 1 चमचा अच्छे से साफ करना और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे कुकिंग के वीडियोस हो या ब्लॉग्स हो या शॉर्ट्स हो, आखिर तक जरूर देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये कढ़ाई में नूडल्स डाल देंगे।
ये नूडल्स मैं एक चमचे से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो दो चमचे से भी मिक्स कर सकते। चिली फ्लेक्स डाल लेना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, अजीनोमोटो नमक हमें यहाँ पर डालना नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते। ये अंडा डाल लेना है नूडल्स में, अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारे नूडल्स बनके तैयार है, खास तौर पर मेरे बच्चों की फरमाइश पर ये नूडल्स बनके तैयार है, गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी नूडल्स। देखिए कितने खिले खिले नूडल्स बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये बची हुई तरकारियों के तरकारी के रोल्स बनाना है। थोड़ा सा नमक डाल लेना है, चाय के चमचे से आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर वेज रोल हमें बनाना है, ये समोसा पट्टी होममेड समोसा पट्टी है, ये देखिए इस तरह से हमें रोल करना है। थोड़ा सा मैदा घोल के हमें इसे अच्छे से पैक करना है, दोनों तरफ अच्छे से पैक कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये वेज रोल बनके तैयार है। चलिए अब हम तलना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल थोड़ा ज्यादा रहना, तेल ज्यादा रहने से ये बहुत ही अच्छे से तल के तैयार होंगे। पलटा दीजिए, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हमारे ये वेज रोल्स बनके तैयार है। ये नूडल्स वेज रोल्स बनके तैयार है। मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ, हलीमा किचन में आपका इस्तकबाल है। मेरे यूट्यूब की फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, टेस्ट करने के लिए आ जाइए। बिस्मिल्लाह, बहुत ही जायकेदार नूडल्स। और यहाँ पर देखिए वेज रोल मैं आपको कट कर कर बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी वेज रोल बन के तैयार हुए थे, बहुत ही टेस्टी। चलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह हाफिज़।